ये है करंट जनरेशन एचपी पवेलियन गेमिंग। एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी, एक 200 वॉट का पावर एडाप्टर, एक पतली सी पुस्तक और एक हमारा लैपटॉप। अभी लास्ट लीजन 7 का रिव्यू करा था, 2,40,000 रुपए का लैपटॉप था। सब कह रहे हैं भैया मतलब हमारे लिए भी सोच लो कोई बजट रेंज का, मतलब लेटेस्ट सीरीज का लैपटॉप ले आओ। तो इसलिए तुम्हारे कहने पे एचपी पवेलियन गेमिंग ले आए। एचपी पवेलियन गेमिंग ये करंट जनरेशन वाला है जो आरटीएक्स 3050 और 5000 सीरीज के साथ आ रहा है, और इसका 4000 सीरीज वाले का रिव्यू किया था, बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आया था उस टाइम। अब देखते हैं करंट जनरेशन वाले में कितना रिस्पॉन्स आता है। इस लैपटॉप में आपको राइजन 5 5600H प्रोसेसर मिलेगा, 6 कोर 12 थ्रेड्स, आरटीएक्स 3050, 4GB का जीपीयू है जिसकी 60W की टीजीपी है, 8GB रैम आपको इसके अंदर मिलती है 3200 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड वाली, 512GB की SSD, MS Office होम एंड स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। तो ये वाला जो लैपटॉप है प्रेजेंटली 72,000 या 73,000 का चल रहा है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में हर ब्रांड सेम स्पेसिफिकेशन ऑर्डर कर रहा है, राइजन 5 5600H और RTX 3050। तो ये कितना स्टैंड आउट करेगा अपने प्राइस सेगमेंट में या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए, तो वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा एंड तक। और हाँ, एक और चीज, अगर आप देहरादून या उत्तराखंड से हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए, बाकी लोग स्किप करके आगे जा सकते हो, टाइम स्टैम्प देख लेना। तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है लैपटॉप स्टोर देहरादून, हमारे जो गणेश भी हैं। और जैसे कि सबको पता है देहरादून में सबसे बढ़िया कंप्यूटर मार्केट कैपरी ट्रेड सेंटर है, वहां पे भी एक बेस्ट शॉप है लैपटॉप के लिए, लैपटॉप स्टोर। यहाँ पे आपको सारी वैरायटी के लैपटॉप मिल जाएंगे, गेमिंग लेना हो, नॉर्मल लेने हो, इकोनॉमिक हो, बिजनेस हो, मतलब वैरायटी पूरी है। और यहाँ पे आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक, सब, मतलब घर वाली बातचीत। तो अगर देहरादून से हो, लैपटॉप लेना हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है शॉप की और कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल करो, व्हाट्सएप करो और खरीद लो लैपटॉप खरीदना हो तो। पूरी बिल्ड इस लैपटॉप की प्लास्टिक की है, टॉप पे आपको यहाँ पे एचपी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पर्पल कलर का कुछ लोगो बना है, और पीछे यहाँ पे पवेलियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और टॉप लेट फ्लेक्स थोड़ा ज्यादा मिलेगा इसके अंदर, बट वैसे बिल्ड क्वालिटी बुरी नहीं है, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी कहूंगा, जैसे नाइट्रो की है सेम वैसी सी बिल्ड क्वालिटी मैं इसकी कह सकता हूँ। और लिड ओपन करने के बाद इंटीरियर भी प्रॉपर प्लास्टिक का है, और कीबोर्ड फ्लेक्स भी थोड़ा माइनर सा आपको मिल जाएगा इसके अंदर, और ऊपर यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। तो उसके जो लुक्स है वो बिल्कुल 2020 वेरिएंट से आइडेंटिकल है, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं किया उन्होंने, सेम वही लैपटॉप है, बस स्पेसिफिकेशन बढ़ा दिए, बस प्रोसेसर और जीपीयू वगैरह चेंज कर दिया, बाकी लैपटॉप सेम है। और पीछे से आपको एयर इनटेक के लिए काफी बड़ा वेंट मिल जाता है, और यहाँ पे विंडोज का स्टिकर मिल जाएगा और पवेलियन की ब्रांडिंग। और इस लैपटॉप का वेट अप्रॉक्स 2 kg है, तो बजट रेंज के गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, 2-2.25 किलो तो होते होते हैं। और भाई इसकी बॉडी फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, कहीं से भी आप हाथ लगाओगे एकदम से फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, और जल्दी साफ भी नहीं होते, थोड़ा सा रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। और एचपी विक्टस की तरह इसके अंदर भी स्क्रीन वॉबलिंग का इशू है, तो अगर आप नॉर्मली भी यूज करते हो तो इसकी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी वॉबल होती है। तो एचपी विक्टस और एचपी पवेलियन की बिल्ड क्वालिटी में मेरे को खास कोई फर्क नहीं लगा, दोनों सेम सेम से ही है, बस अलग अलग सीरीज निकाल दिया उन्होंने और एक तरीके से सेम साइज लैपटॉप बेच रहे हैं। राइट साइड में आपको एक फुल साइज एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है, एक यूएसबी टाइप सी 3.0 वाला पोर्ट मिल जाएगा, एक RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक यूएसबी टाइप ए 3.0 का पोर्ट मिल जाएगा, और एक HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाएगा। और जो यूएसबी पोर्ट्स हैं इनकी जनरेशन कहीं पे मेंशन नहीं है, ना तो एचपी की वेबसाइट पे, ना फ्लिपकार्ट, ना Amazon, तो जनरेशन के बारे में नहीं बता पाऊंगा, जेन 1 है या जेन 2 है। और लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ एक पोर्ट मिलता है यूएसबी टाइप ए 2.0 वाला, और ये ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है। ऑलवेज ऑन वाले में वो ये, अगर लैपटॉप ऑफ भी है उसके अंदर आप डाटा केबल लगाओगे, फोन वोन चार्ज करना हो तो आप कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, फुल साइज का कीबोर्ड आपको इसके अंदर मिल जाता है, सिंगल कलर बैकलेट कीबोर्ड है, पर्पल कलर की लाइट इसके अंदर जलती है, और कुछ मॉडल्स में व्हाइट कलर की लाइट भी मिलती है, वो अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर होता है। ये वाला जो वेरिएंट है 2075AX वाला वेरिएंट है, और कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल वही है जैसे कि आप लैपटॉप से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ट्रैक पैड मेरे को पर्सनली एचपी पवेलियन गेमिंग का पसंद नहीं है, छोटा सा ट्रैक पैड है और रेक्टेंगुलर शेप में, तो इतना यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता इसका। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो 15.6 इंचेस की 1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको मिल जाएगी, 144Hz रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस और 45% NTSC। तो जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, 45% NTSC बेसिक डिस्प्ले होती है, मतलब जो कलर गैमेट वगैरह है वो इतना अच्छा नहीं होता, मतलब बेसिक वाले कलर्स मिलेंगे, जो 60-70-80 हज़ार वाले लैपटॉप आते हैं उसके अंदर यही वाली डिस्प्ले मिलेगी। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है 144Hz का रिफ्रेश रेट, जो e-sports में बढ़िया बेनिफिट देगा, और RTX 3050 इसके अंदर है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा वो आपको आगे दिखाता हूं। और इसकी इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट IGPUs है, और इसका HDMI का आउटपुट एक्सटर्नल GPUs है, जो हमारा RTX 3050 है। तो अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करोगे HDMI के थ्रू तो थोड़े से ज्यादा FPS मिलेंगे। और ये इसका वेबकैम टेस्ट और इसका माइक का टेस्ट, सामने 2 माइक्रोफोन है, कैसी वॉइस क्वालिटी है, कैसी कैमरा क्वालिटी है बताना। और अगर आप नॉर्मल यूसेज करोगे ऐसे कीबोर्ड टाइपिंग वगैरह, तो थोड़ी बहुत स्क्रीन वॉबल होती है, आपको दिख रहा होगा, तो वॉबलिंग का इशू है, वो मैंने पहले ही क्लियर आउट कर दिया। अब एक स्पीकर सैंपल सुनवा देता हूं आपको।
तो स्पीकर की आवाज आपने सुनी, इसमें बैंग एंड ऑलफसन का सपोर्ट मिलता है आपको और स्पीकर की साउंड बहुत क्लियर है। 2020 वाले वेरिएंट में इतनी अच्छी थी, इस बार माइनर सा बेस भी है और जो क्लैरिटी है वो पहले से ज्यादा है और इवन लाउडनेस भी पहले से ज्यादा है। तो स्पीकर के मामले मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसके टॉप फेसिंग स्पीकर है, कीबोर्ड के ऊपर ही इसके स्पीकर है, तो अगर आप नॉर्मल बेड वेड पे रख के या अपने लैप पे रख के भी यूज करोगे तो बढ़िया मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अब एक पोर्टेबल गैजेट की सबसे क्रूशियल चीज, उसकी बैटरी। इसके अंदर 50 वाट आवर की बैटरी है क्योंकि इसके अंदर आपको HDD स्लॉट मिलता है तो आपको लंबी बैटरी नहीं मिलेगी। और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग कह रहे हैं कि 45 मिनट्स में 50% हो जाता है, बट 50 वाट आवर की बैटरी है तो इसको फास्ट चार्जिंग नहीं कहेंगे, बट स्टिल हाँ ऑन द गो अगर आपको काम वाम करने तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। और बैटरी बैकअप की अगर बात बताता हूँ तो मुझे इसके अंदर 3 से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला था बेसिक यूसेज पे, जो मैं हर बार करता हूँ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ और पावर सेविंग मोड और स्क्रीन ब्राइटनेस 50% पे, तो उसमें इतना बैकअप मिला और इस प्राइस बजट के हिसाब से इतना ही बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक गेमिंग लैपटॉप से। और अपग्रेड ऑप्शन के मामले में एक SSD स्लॉट मिलता है, मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करेगा कुछ नहीं पता, कहीं पे मेंशन नहीं है, वैसे 2 TB तक कर जाता है जो राइजन 5000 सीरीज के लैपटॉप है। बाकी इसके अंदर आपको 512 GB SSD मिलेगी जो ये वाला वेरिएंट है, और एक HDD स्लॉट आपको मिलेगा जो इस वाले वेरिएंट में फ्री है, बाकी कोई और वेरिएंट लेते हो तो उसमें हो सकता है ऑक्यूपाइड हो, 1 TB की HDD वगैरह लगी हो। तो ये HDD स्लॉट में मैक्सिमम 2 TB तक HDD सपोर्ट हो जानी चाहिए जितना मुझे पता है, बाकी मैं मतलब कंफर्म नहीं हूं। और दो आपको रैम स्लॉट मिलेंगे, एक ऑक्यूपाइड है इस वेरिएंट में 8 GB के साथ, एक फ्री मिलेगा, मैक्सिमम 16 GB तक आप कर सकते हो, ये कंफर्म है। तो होगी लैपटॉप की पूरी बातचीत, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 टेस्ट में मल्टी कोर स्कोर 9706 और सिंगल कोर 1364। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया इसका मल्टी कोर स्कोर देख के, दूसरे लैपटॉप्स के मुकाबले राइजन 5 5600H में काफी बढ़िया मल्टी कोर परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी है। और बात करते हैं Geekbench 5 की, तो 5638 मल्टी कोर, 1341 सिंगल कोर, और उसके बाद 3D Mark Time Spy स्कोर 4779 टोटल स्कोर निकला था, ग्राफिक स्कोर 4614 और CPU 5997। तो सारे टेस्ट में जो इसका CPU स्कोर है जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस का है वो बढ़िया निकल गया। और देखो ये टाइम टू टाइम वैरी भी करता है, आप 10 बार स्कोर निकालोगे 10 के 10 बार अलग अलग आएगा, और कितने टेम्परेचर में यूज हो रहा है। इस टाइम मेरा रूम टेम्परेचर 25 to 27 degrees है जिसमें मैंने टेस्ट किया था, तो उसके हिसाब से इतने स्कोर्स हैं, तो आपके में हो सकता है वैरी करें, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं कि लैपटॉप रिटर्न मार दिया फटाफट से कोई भी स्कोर ऊपर नीचे देख के, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप इसमें कर क्या कह सकते हो, 1080p की वीडियो एडिटिंग किसी भी लेवल तक, 4K बेसिक, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो कोडिंग एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह चलाना चला सकते हो, और बेसिक यूसेज के लिए लेना है ले सकते हो। इसकी लुक बिल्कुल भी गेमिंग लैपटॉप जैसी नहीं लगती, और सबसे ज्यादा इसलिए बिकता है क्योंकि घर वालों को गेमिंग लैपटॉप बोलने तो घर वाले नहीं दिलवाते, HP पवेलियन बोल देते हैं आगे, गेमिंग नहीं बोलते, तो घर वाले फटाफट राजी हो जाते हैं, हाँ बेटा ले ले HP का लैपटॉप है और अच्छा भी लग रहा है दिखने में। तो ये HP पवेलियन की USP है कि गेमिंग है पर गेमिंग लगता नहीं है। और 3D आर्किटेक्चर मॉडलिंग वाले मीडियम लेवल तक ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, और हाँ 16 GB रैम करवा लोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। तो आप कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट, उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला गेम हम यहाँ पे टेस्ट करें Assassin's Creed Valhalla मीडियम प्रीसेट पे, क्योंकि 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, इससे ऊपर करता है तो VRAM को क्रॉस कर जाता है, और रूम टेम्परेचर आप देख सकते हो 27 to 28 degrees चल रहा है। और मीडियम प्रीसेट में हमारे को यहाँ पे 50 to 60 FPS मिल रहे हैं, GPU टेम्परेचर 78 डिग्री, CPU टेम्परेचर 84 डिग्री, और यहाँ पे हमारा GPU पूरा कंज्यूम हो रहा है, और इतना CPU इंटेंसिव गेम नहीं है हमारा AC Valhalla, तो इतने ज्यादा CPU टेम्परेचर्स के अंदर जाते नहीं है, और अगर हाँ 16 GB रैम करा लोगे तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। फिर यहाँ पे हम टेस्ट करें Red Dead Redemption 2, और ये हमारे बैलेंस्ड प्रीसेट पे है, जो क्वालिटी प्रीसेट बिल्कुल 50% वाला होता है आप अपने सामने देख सकते हो, इसके अंदर अल्ट्रा मीडियम और हाई का मिक्सचर यूज होता है, और इसके अंदर मैंने DLSS को ऑटो पे कर दिया था, और परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी 50 to 55 FPS ऑन बैलेंस्ड प्रीसेट आप कह सकते हो मीडियम लेवल वाला, तो उसके हिसाब से भाई लैपटॉप की परफॉर्मेंस एज पर 3050 काफी बढ़िया निकल के आ रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस ग्राफिक्स कार्ड का निचोड़ निकाल लिया जाए, और साइबरपंक हमने टेस्ट किया मीडियम प्रीसेट पे और DLSS को रखा था हमने ऑटो पे, तो इसके अंदर हमारे को प्लेबल 50 55 FPS बढ़िया आराम से साइबरपंक एंजॉय कर सकते हो, मतलब 3050 जो ग्राफिक्स कार्ड है ना वो आने वाले 4-5 साल के नए टाइटल चला देगा, क्योंकि रीजन क्या है RTX कार्ड है DLSS का फायदा मिल जाता है। देखो 1650 में किसी को सजेस्ट नहीं करता, एटलीस्ट गो फॉर 3050 में आपको काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। VRAM कम है तो थोड़े ग्राफिक्स आपको लो टू मीडियम टू हाई पे खेलना होगा, अल्ट्रा या अल्ट्रा हाई एक्सपेक्ट मत करना, लो टू मीडियम टू हाई आप इसमें गेम बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। अब गेम टेस्ट चल रहा हो और GTA 5 में टेस्ट ना करो तुम तो मेरी जान खा जाते हो। GTA 5 में टेस्ट किया रेकमेंडेड सेटिंग्स पे, वेरी हाई और हाई का मिक्सचर चलता है पूरा इसके अंदर, और उसके अंदर हमारे को 100+ FPS किसी किसी जगह पे, कहीं कहीं जगह पे 90-95, तो जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो काफी बढ़िया निकल के आ रही है एज पर 3050। और अगर 3050 के दूसरे लैपटॉप देख रहे हैं तो काफी रिव्यूज है मेरे चैनल पे, आप लैपटॉप रिव्यूज वाली प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हो, या RTX 3050 आगे वेनम स्टैक लिख देना, जितने 3050 वाले लैपटॉप रिव्यू कर रखे होंगे
वो आ जाएंगे सर्च रिजल्ट में। फिर हमने टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन और ये रेकमेंडेड सेटिंग पे था, लो मीडियम हाई का मिक्सचर जो होता है, और जो DLSS इसके अंदर था वो बैलेंस्ड पे था, और बैलेंस्ड पे DLSS लगा के CPU टेम्परेचर तो ऑब्वियसली ज्यादा जाने ही थे क्योंकि वॉरजोन तो खा जाता है भाई CPU को। 90 प्लस FPS 90-100 आप लगा सकते हो, तो देख रहे हो वॉरजोन की क्या भयंकर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। ये फायदा है RTX कार्ड का, 4GB VRAM में भी मतलब तगड़ी गेमिंग करवा देता है। फिर हमने वैलोरेंट टेस्ट किया, ऑब्वियसली हाई प्रीसेट पे करना था, वैसे मीडियम पे कर लो लो पे कर लो ग्राफिक्स पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, और वैसे भी बस मुझे लग रहा है वैलोरेंट हटाना पड़ेगा लिस्ट में से क्योंकि यार ये वाला गेम तो i5 वगैरह पे भी चल जाता है विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप पे, और गेमिंग लैपटॉप पे टेस्ट करके मतलब गेमिंग लैपटॉप की बेइज्जती करने वाली बात है। तो अपने सामने FPS देख लो यार, 100 प्लस 120 130 FPS CPU टेम्परेचर बढ़िया, ठीक है वैलोरेंट चल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, और ये बस हटने वाला है बहुत जल्द, मैं कोई लेटेस्ट टाइटल ऐड करने वाला हूं। तो ये था इसका पूरा रिव्यू। और हां, तुम्हारा एक सवाल होगा कि भैया स्ट्रीमिंग टेस्ट करके दिखाया, मैंने रिसेंटली ना MSI GF63 में स्ट्रीमिंग टेस्ट किया था जिसके अंदर i5 था 6 कोर वाला और RTX 3050 था मात्र 40 वॉट TGP वाला, उसके अंदर स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल के आ गई थी। ऑब्वियसली बात है इसमें भी निकल के आ जाती, पर मेरे पास टाइम कम था, काफी लिमिटेड टाइम के लिए लैपटॉप आया हुआ था, इसलिए मैं स्ट्रीमिंग टेस्ट नहीं कर पाया। बट टेंशन मत लो, सिंगल पीसी की स्ट्रीम गेम कैप्चर मोड पे बहुत बढ़िया हो जाएगी। और बात आती है यहाँ पे कॉन्स की, तो दो कॉन्स मुझे लगे, एक तो USB 2.0 का पोर्ट क्यों दे दिया मुझे नहीं पता, आज की डेट में भाई 3.0 चाहिए ही चाहिए, अगर हम हब भी लगाएंगे 3.0 वाली तो वो भी 3.0 वाला पोर्ट डिमांड करते हैं, यानी कि 2.0 वाले में लगाओगे तो वो 3.0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और USB पोर्ट दो ही है, तीन होने चाहिए थे। और दूसरा कॉन वॉबलिंग इशू, जो पर्सनली लैपटॉप को थोड़ा सा हल्का फील कराता है, और बाकी इस प्राइस रेंज में जैसी गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है और जैसी मल्टी कोर परफॉर्मेंस दे रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। तो ऑब्वियसली 72-73,000 में आप इसके लिए जा सकते हो, थोड़ा बजट इंक्रीज करोगे तो टफ स्टॉक में आ जाएगा, बट अब 75 में मुश्किल ही आएगा, वो 76-77 तक आएगा, आप उसके लिए भी जा सकते हो 3050 वाला, और आप नाइट्रो के लिए भी जा सकते हो। और डेल G515 का रिव्यू नहीं आया चैनल पे, बहुत जल्द आ जाएगा, तो वो सवाल मैं आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपको डेल G5 लेना चाहिए 3050 वाला जो राइजन 5 के साथ आता है, या पवेलियन या नाइट्रो, वो उस वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो को लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पे ऑल, कोई कमी रह गई हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।